पिछले कुछ सालों में और अभी तक देश में ऐसे बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा है। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे तीन बड़े कारोबारियों ने देश की बड़ी बैंकों को इस तरह लूटा है कि जिससे उबरने में, आर्थिक कमजोरी से लौटने में समय लग गया और अभी भी कहीं ना कहीं इसका असर हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है, क्योंकि इन लोगों ने बैंकों का कर्जा वापस भी नहीं किया और देश छोड़कर चले गए। इन सब के बाद एक बार फिर से देश की एक बड़ी कंपनी जो कि शैडो बैंक की तरह काम करती है, इस समय वह दिवालिया होने के कगार पर है। इसका भी कारण यहाँ यही है कि कंपनी ने कर्ज लिए गए पैसे समय पर चुकाए नहीं है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड लेंडिंग सर्विसेज लिमिटेड करीब 91,000 करोड़ का लिया हुआ है। इतनी बड़ी रकम को कंपनी कर्ज चुकाने में असफल हो रही है, जिसके कारण कंपनी की हालत हो गई है कि बंद होने के कगार पर है। विशेषज्ञों का और जानकारों का कहना है कि अगर देश में इतनी बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई और वह बंद हुई तो देश में आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का कर्जा ना चुका पाने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। निश्चित ही 91,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर कर्ज नहीं चुका पाएगी तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था और बाजार में एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा, क्योंकि यह देश का वित्तीय ग्राफ को कम कर देगा, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी बैंक SBI और LIC ने कंपनी की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और निश्चित ही यह मदद सकारात्मक साबित होगी। View 2, जहां एक तरफ 2019 का लोकसभा चुनाव पास होने को है, ऐसे में देश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं किसी न किसी तरीके के घोटाले और बयानबाजी से मौजूद भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ जाती है और विपक्ष से काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने इस तरह की घटनाएं होना देश को लूटने जैसा ही है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बात पर संतावना दी है कि कंपनी को दिवालिया होने से बचाया जाएगा और कर्ज चुकाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।